बाराबंकी में डिजिटल अटेंडेंस पर विरोध शिक्षकों का लगातार जारी है। शिक्षकों की नाराजगी भी दिखाई दे रही है। शिक्षक काली पट्टी बांध कर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी शिक्षक डिजिटल हाजिरी को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सभी शिक्षक काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करते हुए इस आदेश के खिलाफ अपना रोष शासन के सामने जता रहे हैं। इस बीच बाराबंकी में 3 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश शासन के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस नहीं दर्ज कराने वाले शिक्षकों कर्मचारियों पर अब विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के बावजूद 11 जुलाई को भी जिले में शिक्षक और शिक्षिकाओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें, बाराबंकी में प्रसिद्ध विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी नहीं करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे ने जिले के 9,000 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का 3 दिन का वेतन रोक दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन टीचरों को चेतावनी भी दी है कि अगर 11 जुलाई से अपनी डिजिटल अटेंडेंस नहीं दर्ज कराई तो संबंधित शिक्षकों और कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें, 5 जुलाई को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रसिद्ध विद्यालयों में रजिस्टर में डिजिटल अटेंडेंस कराने के निर्देश जारी किए गए थे। बाराबंकी बेसिक शिक्षा अधिकारी के 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस नहीं दर्ज करने वालों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश के बाद भी बाराबंकी में शिक्षक शिक्षिकाओं का विरोध प्रदर्शन जिला जारी है। शिक्षक शिक्षिका हाथ पर अपनी काली पट्टी बांधकर इस आदेश के खिलाफ अपने यहाँ गुस्सा दिखा रहे हैं। बता दें, बाराबंकी में प्राथमिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। महिला शिक्षक के आह्वान पर महिला शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर काली डीपी और हाथ पर काली पट्टी बांधकर इस आदेश के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बाराबंकी के बंकी ब्लॉक क्षेत्र में महिला शिक्षकों ने बताया कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला शिक्षकों ने बताया कि आज 11 तारीख को भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पहले की तरह अपने अटेंडेंस रजिस्टर पर ले रहे हैं। महिला शिक्षक ने बताया कि एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध कुछ चीज़ों के लिए है जो हमारी बरसों से मांगे हैं, वो पहले हमारी मांगें पूरी की जाएँ। महिला शिक्षक ने आगे बताया कि हम लोग शहरी क्षेत्र में हैं, लेकिन हमारे कुछ विद्यालय घाघरा नदी के किनारे हैं, जिले से 60 से 70 किलोमीटर दूर हैं और वहाँ पर टीचरों को पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शिक्षक इतनी दूरी तय करने के बाद भी 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुँच पाते हैं और इस दौरान विपरीत समय में उन्हें समय लग जाता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए हमें इस आदेश में कुछ शिथिलता प्रदान की जाए। विरोध हमारा जो चल रहा है शिक्षकों का, वो ये तो गलत फैलाया जा रहा है कि ऑनलाइन उपस्थिति के लिए चल रहा है। हमें ऑनलाइन उपस्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथी जो इंटीरियर में हैं, जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, और वैसे तो बिजली लगभग है, लेकिन अब इस मौसम में आप देख रहे हैं, हम शहर में रह के बिजली से दिन रात 24 घंटे जूझ जाते हैं। तो जो हमारे शिक्षक साथी जो इंटीरियर में हैं हमारे, जिनके लिए रास्ता नहीं है पहुंचने का, बड़ी राह दुर्गम है वहाँ की जाने की विद्यालयों की, वो कैसे देंगे समय से उपस्थिति? यदि रास्ते में कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है उनके साथ, सपोज दैट उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कैसे विद्यालय पहुँचेंगे? उनको क्या सहूलियत दी जाएगी इस चीज़ के लिए? हमारा विरोध इस चीज़ से है। हमको पहले सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, हमारा नेट जो है वो मजबूत करा जाए, इंटरनेट का हमारा मजबूत करा जाए, हमारी बिजली पानी विद्यालयों की मजबूत करी जाए और विद्यालयों को जाने के लिए सरल राहें दी जाएं और संसाधन दिए जाएं। विरोध सिर्फ हम लोगों का इस चीज़ से है, उपस्थिति से हमारा कोई विरोध नहीं है ऑनलाइन। और ये हम सभी लोग ऑनलाइन अटेंडेंस जो डिजिटलाइजेशन के लिए हमारे विभाग द्वारा कहा गया है कि आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस 8 तारीख से आया है, अभी फिर से आदेश आज से यानी 11 तारीख से आया, हम लोग उसके विरोध में ये पट्टी बांध रहे हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ आज काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं। हो सकता है शिक्षक हमारा हर गांव से जुड़ा हुआ है, हमें गांव की समस्याएं पता है, हम क्योंकि रोज उनसे फेस करते हैं, तो हमारा विरोध ऑनलाइन अटेंडेंस से नहीं है। जो हमारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी वो सुचारू रूप से हमें नहीं मिलती। यूपी न्यूज 9 के लिए बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट।